अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दोस्तों आइए जानते हैं मस्जिद से मोहब्बत की फजीलत क्या है। मुलाहिज़ा फरमाएं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने मस्जिद से उल्फत यानी मोहब्बत रखता हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे उल्फत मोहब्बत रखता है। माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। और मस्जिद से उल्फत रखने का काम जो अपने दिल में लिए फिरते हैं यानी मस्जिद में जब जाते हैं तो इस नियत से इरादे से जाया करते हैं कि इत्तेकाब नमाज जिक्रुल्लाह सीखने और सिखाने के लिए बैठते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे अपनी हिफाजत में रखा करते हैं और उसे अपने प्यारे जो अल्लाह के राह में चलते हैं उसमें हिफाजत किया करते हैं और अल्लाह उससे बहुत मोहब्बत किया करते हैं। ये है मस्जिद से मोहब्बत रखने की फजीलत। तो आप जब भी मस्जिद जाए इत्तेकाब का जितने वक्त के लिए जाए तो आप कोशिश करें कि बिस्मिल्लाह पढ़कर मस्जिद की दुआ पढ़ लें, उसके बाद मन ही मन में इत्तेकाब कर लें इत्तेकाब की नियत, उसके बाद इस नियत से जाए शोरगोल ना करें, हमेशा नमाज की नियत करें, कुरान की तिलावत करें, दूसरों को दीन की बात सिखाएं और सीखें और जिक्रुल्लाह करें, नाते नबी पढ़ें सुने सुनाएं, कुरान की तिलावत करें तर्जमे के साथ पढ़ें और लोगों को भी इस बात की दावत दें। तो हम खुदारा हम सबको इस नेक बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाएं, सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाएं और ज़्यादा से ज़्यादा नमाज की आदि बनाए क्योंकि नमाज तमाम इबादतों में अफजल है खुदा के पास। तो अल्लाह ने हमें अपने लिए जिस वक्त भेजा है हमें बंदगी के लिए नमाज पढ़ने दीन के कामों में आगे बढ़ने के लिए अता फरमाया है तो अल्लाह का ये बहुत बड़ा करम है। आप अल्लाह का हमेशा शुक्र अदा करें, जिस हाल में रहे अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो इस वीडियो को यहीं तक समाप्त फरमाएं और आगे भी अच्छी प्यारी हदीस बातें जानने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकअल्लाहु खैर।